सर, ये 24 तारीख को जो आपका महानाट्य का मंचन है उसकी तैयारी किस तरह का है और किस तरह का एक्ट परफॉर्म करूंगा उस बारे में बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस नाटक को हमें 3 वर्ष लगे हैं इसको तैयार करने में, 2 वर्ष तो मुझे लगे लिखने में और फिर 1 वर्ष लगा इसके पूरे कलाकारों को समेत, क्योंकि तकरीबन 45 कलाकार आपको स्टेज पर नजर आएंगे, 24 मेन कलाकार हैं, तो उनकी पूरी परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनको तैयार किया गया, फिर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया, इसका टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया गया, तो बहुत ही इसकी जो LED स्क्रीन का जो काम है बहुत ही भव्य पैमाने पर हमने किया है और इसकी रिहर्सल चलती है, हम लगातार इसकी शो कर रहे हैं और ये छोटा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जी, आप मानोगे नहीं, जो बैक स्टेज थी जो 40 लोगों की बैक स्टेज थी, आज ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं राम भाई गुंजन जी ये जो लगे हुए हैं, साउंड मेरे टेक्निकल टीम यहाँ पे आई हुई है, वो आपके ऑडिटोरियम में गई है, वहाँ पे हमें लाइट चाहिए होंगी, इतनी सारी लाइट चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, वहाँ पे LED स्क्रीन लगेंगे, तो ये पूरी तैयारी, ये केवल खाली हमें परफॉर्म नहीं करना है, इट्स अ मैग्नम ओपस ऑफ ब्रॉडवे शो। टोटल मिलाकर कितने कलाकार परफॉर्मेंस देने वाले उस बारे में? 2400 कलाकार हैं और बाकी जो सैनिक हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, सब मिला के 45 से 50 आपको लोग, आपको कलाकार पर्दे पे, आपको मंच पर नजर आएंगे। कितने आवर्स का शो होगा ये? ये पूरे 3 घंटे का शो है जी। सर, इतना सब कुछ हुआ, आपका एक डायलॉग आया नहीं था। मेरा डायलॉग आपको ये प्ले जब 24 तारीख आप देखेंगे तब दुर्योधन पे ही सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कुछ नहीं, मैं चाहता थोड़ा जो जनता है उसमें पीछे रत रहे, वेट एंड वॉच। मैंने आपको भीम की प्रतिज्ञा के वो सुना दी, इस बच्चे ने इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा, आप जो दुर्योधन का पात्र है, कर्ण का पात्र है, वसुदेव श्री कृष्ण का पात्र है, इनके संवादों का आप लुत्फ उठाएंगे 24 तारीख को नागपुर में। अंडर प्रिविलेज बच्चे जी है और अपना जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की रियायत दे रहे हैं आप उस बारे में? किया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, एक ही न केवल इसे हम करें कि भाई ये इस तरह कमर्शियल थिंग, नो, तो उन्होंने मेरे कहा नागपुर के सारे स्कूल के बच्चों को 4,000 सीटों उन्होंने कुछ अलॉट की हैं उन बच्चों के लिए, उन्हें मौका मिलेगा। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं दे मस्ट वॉच इट, और आपको बताऊँ ये बात, देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना वो जेट सेट जनरेशन है, किसी के पास 90 घंटे या 94 आवर्स नहीं है सारी महाभारत के एक साथ देखने में, तो ये 3 घंटे का जो प्ले है आपको 3 घंटे में पूरी महाभारत का आपको सार मिलेगा, और जो यंगर जनरेशन है इन्हें हम इनसे रूबरू कराएंगे हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से। सर, इस मेगा एपिक के लिए क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है होंगे उस बारे में बताइए? आपको पता है कि ये जो लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल लोग हैं, जो नागपुर के जो जो ऑर्गेनाइजर हैं इन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा होगा और अब तो काम चल रहा है। लास्ट में आपके फैंस और आपका ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहोगे 24 तारीख के कार्यक्रम देखने के लिए? मैंने तो कहा, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैंने विनम्र उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जरूर आए, अपनी भारी मात्रा में आए, बच्चों को लेकर आए, सह परिवार आए, नाटक को देखें, क्योंकि नाटक को देखने के बाद उनको इतना मजा आएगा कि भाई ये हमारा कल्चर है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी धरोहर है वो। और दूसरा जो संदेश है वो तो आपको जो प्ले देखेंगे वो उसी आपको पूरा संदेश मिल जाएगा। हाँ जी, मैंने कहा ना वो कर रहे हैं, ये हमारे जो ऑफिसर हैं वो आप सवाल आप उनसे पूछेंगे वो आपको इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे मुझसे। ठीक है, उसका पुत्र में होगा, एक हकी मालूम होगा कि मुझे गद्दी चाहिए, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। आप एक भीष्म होगा जो सिंहासन से जो वचनबद्ध होंगे, आप एक अर्जुन मिलेगा तो कहते एक शकुनी जरूर होगा जो साम दाम दंड भेद करेगा। दैट इज द रीजन वाई इवन टुडे महाभारत जो है वो जीवंत है, और ये आज नहीं, ये अनंत सर्गों तक, अनंत काल तक ये चलता रहेगा, जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, इस तरह के पात्र आपको हर घर में मिलेंगे। और जो सबसे खूबसूरत बात हमारे ग्रंथों की मैं बताना चाहता हूँ कि रामायण और महाभारत ये दो हमारे इस महामत ग्रंथ है, रामायण सिखाता है क्या करना चाहिए, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श खलनायक, और महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए रामायण है,
और क्या हो रहा है महाभारत। आपके पक्ष या हमारे, अगर आप हमारा टाइटल ट्रैक गाना सुनेंगे कि ये महाभारत है, ये महाभारत है, छल बल का और कपट का परिणाम महाभारत। देखिए कितना खूबसूरत, एक दो पंक्तियों में हमने महाभारत की व्याख्या करने की उसका प्रयास किया। थैंक यू। वो तो की, लेकिन वो तो मलयुद्ध भी किया उन्होंने। महाभारत में उन्होंने स्वेच्छा से शस्त्र नहीं उठाए, और उनकी जो सार है, जो गीता में जो कहते हैं कि क्या है, जब आपको तमस को मारना है तो तमस को आप अच्छाई से नहीं मार सकते, आप अहिंसा से तमस से मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसको देखने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कहते हैं कि भाई केवल आप कहते हैं भाई आपके प्रिंसिपल्स करेक्ट जो होने चाहिए, प्रिंसिपल बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा, इस सब का जो सार है, सारा मिश्रण जो है, आपको हमारे इस नाटक में देखने को मिलेगा। थैंक यू। पुनीत जी, आज भी क्या इस काल में महाभारत प्रसारित है? अवश्य, आज नहीं, आज से 5000